दोस्तों, इन दिनों आईटी सेल और गोदी मीडिया वालों को कोई भी लताड़ लगा दे रहा है। यूं कहे कि इनके बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। आईटी सेल के प्रोपेगेंडा की हवा इस बार तो शंकराचार्य ने निकाल दी। नमस्कार, द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र यादव। दोस्तों, लोकसभा के अंदर राहुल गांधी ने अपना जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने बताया कि हिंदू किसी भी तरह से हिंसा में विश्वास नहीं करता है। इसको लेकर विस्तार से बात की थी। हाथ में बाकायदा भगवान शिव की तस्वीर लेकर उस वक्त पीएम मोदी खड़े हो गए, यह कहते हुए कि एक समुदाय विशेष को हिंसक नहीं कहा जा सकता है। हालांकि उसी वक्त राहुल ने तुरंत जवाब दिया था कि ना तो बीजेपी मतलब पूरा हिंदू समाज है, ना ही मोदी मतलब पूरा हिंदू समाज है, और है ना ही आरएसएस का मतलब पूरा हिंदू समाज है। मतलब हिंदुओं का ठेका इन लोगों ने नहीं ले रखा है। जो असली हिंदू हैं वह कभी हिंसा नहीं करता। लेकिन हुआ क्या कि उस पूरे बयान को, चाहे गोदी मीडिया हो, आईटी सेल हो, छोटी सी वीडियो क्लिप को काट कर इस तरह से वायरल किया गया कि हिंदुओं से इनको कितनी खुन्नस है कि पूरे के पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा जा रहा है। अब आज से 7-8 साल पहले यह सब कहा जाता था तो बड़ी सीरियसली लोग इसे ले लेते थे और उस तरह का उबाल लोगों में दिखता भी था। लेकिन तब से लेकर अब तक, खासकर 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद से, सब कुछ बदल चुका है और हालत ये हो गई है कि आईटी सेल के उस प्रोपेगेंडा, उस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है शंकराचार्य ने। दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आपने राहुल गांधी का भाषण सुना जिसमें उन्होंने हिंदुओं के लिए कहा है, तो आप क्या कहते हैं? तो शंकराचार्य ने कहा कि अगर हमसे कोई कहता है कि कौवा कान ले गया, तो हम पहले अपना कान चेक करते हैं, ना कि कौवे के पीछे भागते हैं। तो हमने राहुल गांधी का पूरा भाषण सुना, उसमें कहीं भी उन्होंने नहीं कहा है कि हिंदू समाज हिंसक होता है। हमने राहुल गांधी का पूरा प्रवचन, जो भाषण उन्होंने संसद में दिया था, उसको निकाल करके देखा और हमने उसमें पाया कि वो तो ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में हिंसा का स्थान ही नहीं है। तो जब वो साफ कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में स्थान नहीं है, तो फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने हिंदू धर्म के विपरीत कोई बात कही है, उनके आधे वक्तव्य को, अंश को निकाल करके और उसको फैला करके, ये हम समझते हैं कि अपराध है, दुष्प्रचार है, और ऐसा करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वो पत्रकार और चैनल ही क्यों ना हो। गलत है, उस व्यक्ति ने जो बात कही ही नहीं है उसके लिए उसका विरोध करना और उसके लिए उसको दोषी बनाना सही नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि हिंदू ऐसा नहीं कर सकता, बहुत साफ कहा हिंदू हिंसा नहीं कर सकता। बाद में उन्होंने कहा कि जो लोग अपने उनको उन्होंने अपने सामने जो अमुक पार्टी के सरकार के लोग हैं उनको देख करके कहा कि आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हो और हिंसा 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 नफरत फैलाते हो। तो उनका कहना केवल उस पार्टी विशेष के लिए था, हिंदू समाज के लिए उन्होंने पहले ही, इसके ठीक पहले जो वक्तव्य दिया है उसमें हिंदू की बात कही है। तो हमने वो पूरी बात देख ली, इसलिए हमारे मन में उसके लिए कोई बात नहीं। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि मीडिया अगर इस तरह की हरकत कर रही है, राहुल गांधी की गलत वीडियो फैला रही है, तो उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। बताइए, मीडिया वालों के आगे ही धो दिया। सोचिए क्या दिन आ गए हैं गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल के लिए। यहाँ महत्वपूर्ण यह भी है कि दोस्तों, याद रखना कि शंकराचार्य ने मजबूती से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी विरोध दर्ज कराया था, यह कहते हुए कि प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर पूरा बन जाता है। पूरा मंदिर बन जाने दीजिए, कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा तभी होगी, अधूरे मंदिर की आप प्राण प्रतिष्ठा मत कीजिए। लेकिन उनकी बात को दरकिनार किया गया। यहाँ तक कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तो एक इंटरव्यू में यह भी कहा था कि हम तो जाएंगे
जब हमको बुलाया जाएगा। हमको तो किसी ने बुलाया ही नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी के हाथ में शिव की तस्वीर, उस तस्वीर को लेकर अलग अलग तरह की हलचल, क्या यह हलचल है जो बीजेपी आईटी सेल झेल नहीं पा रही है, बीजेपी के नेता झेल नहीं पा रहे हैं, और यह हलचल और बढ़ जाएगी जब शंकराचार्य कह देते हैं। राहुल गांधी ने तो कुछ भी ऐसा कहा ही नहीं है। राहुल गांधी तो अपने सामने बैठे सत्ता पक्ष के लोगों और इस पार्टी के लिए बोल रहे थे। बीजेपी का नाम लिए बिना ही शंकराचार्य ने कहा, लेकिन वही बोला कि सामने जिस पार्टी के लोग बैठे थे उनके लिए बोल रहे थे कि वे लोग हिंसा करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से शंकराचार्य ने आईटी सेल और गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ाई है, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। जितना हो सके चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं तो। थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से आप चाहें तो हमारी आर्थिक मदद भी जरूर करें। धन्यवाद।